स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं वो दो टर्म्स कौन सी हैं कि एक हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन किसे कहते हैं ठीक है आयोनाइजेशन का प्रोसेस क्या है और दूसरा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिस किसे कहते हैं ये दो टर्म्स जो है इनको हम समझने के बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है ठीक है स्टूडेंट्स आयनाइजेशन बेसिकली क्या है एक आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो फ्री आइंस उसके जनरेट हो जाते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड आयनाइजेशन ठीक है आयनिक कंपाउंड डिजोल्व In water and generate free ions is called ionization ठीक है ये सिंपल सा प्रोसेस है ठीक है अब स्टूडेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिस और आयनाइजेशन में डिफरेंस क्या है ये तो सिंपली हो गया एक आयनिक कंपाउंड को जब आपने डिजोल्व किया आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल आयनिक कंपाउंड को जब आपने वाटर में डिजोल्व किया तो उसके आइन्स बन गए हैं ठीक है अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जब इसी आयनिक सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दें और ये इलेक्ट्रोड जो है बैटरी के साथ अटैच करवा दें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब आ, आ, बैटरी में से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये फ्री आइन्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा यानी इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है नेगेटिव uh, आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और पॉजिटिव आइंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं ठीक है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉलिस ठीक है तो इलेक्ट्रोलिस हम कैसे कहेंगे मूवमेंट ऑफ आइंस टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स एंड रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयंस कब मूव करेंगे जब बैटरी हमारी ऑन होगी दूसरी बात स्टूडेंट्स के आयनाइजेशन के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप की जरूरत नहीं होती आपने सिंपल बीकर लेना है ठीक है ना बीकर इज यूज्ड फॉर आयनाइजेशन इसका कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है और इलेक्ट्रॉलिस में क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका पूरा एक सेटअप है इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलिस ठीक है तीसरी बात स्टूडेंट्स के आयनाइजेशन के प्रोडक्ट्स हमेशा हमें पता होते हैं यानी प्रिडिक्टेबल होते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है से एनए सी एल है ठीक है या कि एन ओ थ्री है तो ये मुझे बिल्कुल मालूम होगा कि के आयनाइजेशन के बाद एन ए सी एल क्लोराइड नेगेटिव और पोटासियम नाइट्रेट में के पॉजिटिव और एनओ थ्री नेगेटिव वन ये आइंस बनेंगे यानी कि आयनाइजेशन के प्रोसेस में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोडिक्टेबल होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल जबकि इलेक्ट्रोलिस के प्रोसेस में सिर्फ तभी हम प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की इजाजत दे यानी सब्सटेंस अलाउस करंट टू फ्लो थ्रू इट ठीक है तो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने वो जो सब्सटेंस है वो मोल्टेन फॉर्म में लिया है ठीक है मोल्टेन फॉर्म किसे कहते हैं लिक्विड स्टेट को कहते हैं ठीक है इलेक्ट्रोलाइट की लिक्विड स्टेट होगी तो तब आ, हम इलेक्ट्रोलिस की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो प्रोडिक्टेबल होती हैं अदरवाइज अगर एक्वा सोलूशन होता है तो प्रोडक्ट्स जो होती है वो प्रोडिक्टेबल तो नहीं होती ठीक है तो यू कैन से प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉलिस आर नॉट प्रिडिक्टेबल ठीक है डिफरेंट हो सकती है मैंने कहा कि अगर लेट ब्रोमाइड जो है दैट इज इन मोल्टेन फॉर्म मोल्टे स्टेट में है तो तब मैं इसकी प्रोडक्ट जो है प्रिडिक्ट कर सकती हूं कि ये अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में टूट जाएगा यानी लेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ, हमारे पास सेपरेट हो जाएगा और जो आ, ब्रोमीन है वो एस ब्रोमीन गैस जो है रिलीज हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स ये बात हो गई कि आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिस एलेक्ट्रो, में क्या डिफरेंस है अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर या तो इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट किया जाए तो यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू कैरी आउट रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड डू टू रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है यानी दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो सकते हैं एक ऐसे जिनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन को या केमिकल चेंज लाने आ, आ, लाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करें और दूसरे ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस हो तो इस तरह के सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं और ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है रिएक्शन को करवाने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोल सेल्स और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल्स ये दो टाइप्स होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पे फोकस करेंगे ठीक है हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या हैं उनकी वर्किंग किस तरह से है ठीक है और उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं द इलेक्ट्रो केमिकल सेल In which electric current is used to bring about a redox reaction. A redox reaction that is non-spontaneous, its mean ki wo otherwise possible. ना हो ठीक है हम जबरदस्ती एक केमिकल चेंज इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करके करवाना चाहें तो इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल ठीक है ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक uh, सेल में ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है या ऐसा रिडोक्स रिएक्शन uh, होता है जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम प्रोसीड करवाते हैं उसको मैं आपको example से अगर समझाना चाहूँ तो स्टूडेंट्स आप देखें कि एनए सी एल कन्वर्टेड इंटू एन सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस एनएसीएल हमने आयनिक फॉर्म में लिया हुआ है ठीक है यानी स्टेट है इसकी मोल्टन स्टेट में क्या होगा कि सोडियम और क्लोरीन, uh, सोडियम uh, और क्लोराइड आइंस ये फ्री टू मूव होंगे ठीक है अब ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सोडियम आइन्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे जबकि सोडियम आइन इज क्वाइट अ स्टेबल आइन उसको जरूरत नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है लेकिन हम क्या करेंगे दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो इसके जहां पर फोर्स की जरूरत हो अब क्लोराइड आइन में भी देख लें जो कि सी एल एट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है क्लोराइड भी बहुत स्टेबल आइन है ठीक है क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट uh, शेल जो है एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ना नहीं चाहता लेकिन हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन के हम इस क्लोराइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन छीनेंगे ठीक है तो वो भी जबरदस्ती करवाना पड़ेगा यानी हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी और हम फिर क्लोराइड आयन से वो इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे ठीक है उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे और वो फिर सीएल टू गैस में कन्वर्ट होगी तो स्टूडेंट्स इससे आपको ये कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो इलेक्ट्रोलेटिक सेल्स हैं उसके अंदर ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हैं अदरवाइज पॉसिबल नहीं है यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एनएसीएल मोल्टन स्टेट में रखा हुआ है तो खुद ब खुद ही जो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोराइड आइन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हम किसे कहते हैं बेसिकली मूवमेंट ऑफ आइंस टूवर्ड्स वर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स इन द लिक्विड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ठीक है बेसिकली इलेक्ट्रोलेटिक सेल्स में जब आइंस इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं ठीक है तो Uh, किस तरह से मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मूव करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि ये आइंस जो हैं किस तरह से इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और क्यों अट्रैक्ट होते हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की कंस्ट्रक्शन क्या है और वो फर्दर uh, किस तरह से वर्क करते हैं स्टूडेंट्स ये आप अपने सामने एक बीकर देख सकते हैं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है इन द मोल्टन स्टेट ठीक है हम इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोलूशन भी ले सकते हैं लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोलाइट एज मोल्टन स्टेट लिया हुआ है आप इसमें फ्री आइंस देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद हैं अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स एंटर करेंगे जो कि फर्दर बैटरी के साथ अटैच हैं एक इलेक्ट्रोड जो है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और दूसरा इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है स्टूडेंट्स जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं हम देखते हैं कि बैटरी जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वहां से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यानी सोल्यूशन में से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और बैटरी को प्रोवाइड कर रहा है तो आप देखेंगे नीचे सोल्यूशन में जो नेगेटिव आइंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहां पर अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर बैटरी के अंदर एंटर हो के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है सोल्यूशन के अंदर एंटर करवा रहा है अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे सोल्यूशन में से जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्व करके न्यूट्रल हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है क्योंकि इसकी तरफ पॉजिटिव आइंस अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव आइंस को हम क्या कहते हैं कैटाइन्स कहते हैं तो इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कह सकते हैं कैथोड कह सकते हैं और कैथोड पे प्रोसेस क्या हो रहा है

यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आइंस जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो आइन्स की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है तो यू कैन से एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रोलिक सेल में और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन होती है स्टूडेंट्स इसको याद रखने के लिए कि कैथोड पे रिडक्शन होगी कि ऑक्सीडेशन होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसके लिए मैंने आपके लिए छोटा सा कोड तैयार किया है कि आप कह सकते हैं रेड कैट रेड कैट का क्या मतलब है कि ठीक है पे क्या होगी रिडक्शन होगी और दूसरा आपके पास क्या एक ट्रिकी एन ऑक्स इट्स मीन ए एन का क्या मतलब है एनोड और ऑक्स का क्या मतलब है ऑक्सीडेशन यानी एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी तो अगर स्टूडेंट्स आप ये दो लाइंस uh, याद कर लें कि रेड कैट एंड ऑक्स तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि कैथोड पे रिडक्शन होगी और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ठीक है तो स्टूडेंट्स हम फर्दर लिख सकते हैं कि कैथोड रेड कैट इट्स मीन के कैथोड पे क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है और एनोड एनऑक्स एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी एक बात और स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कि अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे कि एक इलेक्ट्रोलाइट की हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में डीकम्पोजिशन हो जाती है तो जब एक इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज होगा तो वो उसकी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी वो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन फॉर्म में है मोल्टन स्टेट में है तो फिर तो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है कि मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जब इलेक्ट्रोलिस होगी तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट अपने कह लें कि कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट जो है उनमें ब्रेक कर जाता है ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल अगर एनए है तो इसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स क्या होंगे एन एज मेटल सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस जबकि स्टूडेंट्स अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस सोल्यूशन लें एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रो लाइट ये जब आप लेते हैं तो फिर अक्सर औकात क्या बनता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है एज प्रोडक्ट्स आती हैं। हर केस में नहीं आती लेकिन ज्यादातर क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं इसके लिए कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस में जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे यानी प्लैटिनम और ग्रेफाइट जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रोलिस में कोई पार्ट नहीं लेंगे ठीक है इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा ये बिल्कुल इनर्ट है इनके अंदर कोई केमिकल चेंज बेसिकली नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स आप ये सामने टेबल देख सकते हैं के जब हमने मोल्टन स्टेट में लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में इसी तरह से लेड ब्रोमाइड है वो भी मोल्डन स्टेट में है तो प्रेबल उसकी प्रोडक्ट्स हैं कि लेड मेटल और ब्रोमाइड एज एज सॉरी ब्रोमीन गैस जो है रिलीज हो रहा है लेकिन स्टूडेंट जब हम हमने एन का एक्वा सोल्यूशन लिया तो फिर प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज हो गई है फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट्स आ रही है स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है वो प्रोडक्ट्स के तौर पे सामने आई हैं जबकि पोटासियम नाइट्रेट जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको जब आपने एक्वा सोलूशन इसका लिया है तो फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट्स आ रही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रही ठीक है थीके? तो इसका मतलब है कि सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ही आप प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अदरवाइज एक्वा सोलूशन में आप टेबल में देखें ज्यादातर केसेस इस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है लेकिन हम हर दफा ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिलीज होगी ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिएक्शन में पार्ट ले ठीक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स यूज करें जो कि रिएक्शन का पार्ट हो ठीक है इलेक्ट्रोलिस में वो पार्ट ले रही हो तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है तो कैथोड हमारा क्या है प्योर कॉपर है और जो एनोड है वो हमने इमप्योर कॉपर लिया हुआ है तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी कि कॉपर आइंस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर सॉलिड में और डिपॉजिट होते जाएंगे ठीक है और एनोड पे क्या होगा सॉलिड कॉपर जो है वो कॉपर आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्यूशन में एंटर हो जाएगा ठीक है सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड का हमने एक्वा सोल्यूशन लिया है इसमें भी क्या होगा कि सिल्वर जो है प्योर सिल्वर कैथोड बना हुआ है तो इसके यहां पर क्या होगा कि सिल्वर आइंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्या करेंगे यहां पर सिल्वर एज सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे जबकि एनोड पे क्या होगा सिल्वर सॉलिड से सिल्वर आइंस में कन्वर्ट होके में हो ठीक है तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि जब आपने यूज करना है ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो कि रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से आएंगी और जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो फिर आपके सामने ये टेबल है ये हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से आती हैं स्टूडेंट्स फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूज सॉल्ट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से प्रोसीड होगी और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सोल्यूशन लेंगे तो फिर जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किस तरह से प्रोसीड करेगा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म करते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिए हाफिज़